हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम सो गाइज हाउ यू ऑल आई होप यू आर वेल हैप्पी हेल्दी एंड एंजॉइंग सो लेट्स स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ वर्क एंड एनर्जी सो लास्ट लेक्चर में हम लोग वर्क के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे इट्स डेफिनेशन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर वर्क टू बी डन इन द साइंटिफिक टर्म्स एंड वॉट इज द फॉर्मूला व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन अब हम लोग उस उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे बट बिफोर दैट टेक अ क्विक रिकैप ऑफ वॉट वी हैव डन सो बेसिकली वी हैड सीन दैट वर्क डन इज नथिंग बट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट इट इज़ दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ किसी भी फोर्स का आपको अगर वर्क डन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर फोर्स कितना लग रहा है ऑन दी ऑब्जेक्ट एंड हाउ मच दैट ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड जिस पे फोर्स लग रहा है ऐसा नहीं कि फोर्स इस पे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका देख रहे हैं नो फोर्स अगर इस पे लग रहा है तो इसी का डिस्प्लेसमेंट देखना है इन द डायरेक्शन और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ठीक है सो यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा कि हम किस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं जिस फोर्स का वर्गडा निकाल रहे हैं उसके डायरेक्शन में या फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका द ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लग रहा है जिस पे फोर्स लग रहा है उसी का डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है किसी और ऑब्जेक्ट का नहीं ऑल्सो आई हैड आई हैड टोल्ड यू कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में रहे ठीक है मान लो ऑब्जेक्ट एक है उस पर इधर फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ

और इस केस में हुआ वन मीटर डिस्प्लेसमेंट इधर तो क्या आ जाएगा फर्स्ट केस में डिस्प्लेसमेंट होगा टेन इंटू टेन मीटर इंटू सॉरी टेन न्यूटन इंटू वन मीटर और सेकेंड केस में क्या होगा टेन न्यूटन इंटू माइनस वन मीटर डन बाय दिस फोर्स कौन सा फोर्स टेन न्यूटन फोर्स में कितना है इट इज टेन जूल और इस केस में कितना है माइनस टेन जूल ठीक है तो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एज वेल एज जीरो ठीक है यहां पे पॉजिटिव है यहां पे नेगेटिव है अगर फोर्स ना होता तो जीरो होता अगर डिस्प्लेसमेंट ना होता तो जीरो होता सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो तीसरी चीज जैसे फोर्स का डायरेक्शन होता है इसका डायरेक्शन होता है सो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ हैव बहुत मैग्नीट्यूड्स इसका भी मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है इसका भी मैग्नीट्यूड भी होता है डायरेक्शन भी होता है बट जो वर्क डन है इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड ओनली मैग्नीट्यूड आप लिख लो ये ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता नो डायरेक्शन लेकिन फोर्स का डायरेक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है अब ये जो चीज़ है ना कि कैसे हमने दो डायरेक्शन वाली चीज़ों को मल्टीप्लाई किया और हमें नॉन डायरेक्शन वाली चीज़ मिल गई ये आप पढ़ेंगे क्लास एलेवंथ में नाउ यू के नॉट क्योंकि आपको उसके लिए बेसिक जो मैथ्स रिक्वायरमेंट है वो आपकी भी हुई ही नहीं है तो ये एक इसको हम ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं तो ये दोनों कैसी हैं वेक्टर क्वांटिटी हैं दीज बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज़ और इनका जब प्रोडक्ट किए तो ये हमको मिली स्केलर क्वांटिटी ये याद नहीं भी रखोगे चलेगा ऐसे ही मैं आपको जस्ट फॉर जस्ट फॉर फन आई एम टेलिंग यू ठीक है तो दीज टू आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमें मिल गई स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है डायरेक्शन नहीं होता जैसे कि मास मास का सिर्फ मैग्नीट्यूड है कितना हमारे अंदर मैटर है दैट इज इट लेकिन वेट वेट का डायरेक्शन होता है वेट इज अ फोर्स फोर्स अप्लाइड बाई अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ तो वेट हैज़ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड तो वो क्या हुआ वैक्टर क्वान्टिटी मास हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड तो ये कैसा हुआ स्केलर क्वान्टिटी सो दीज टू आर वैक्टर क्वान्टिटीज दिस इज स्केलर क्वान्टिटी अब जब दो वैक्टर क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है तो उसमें दो तरीके के मल्टीप्लीकेशन होते हैं तो जब दो क्वान्ट दो वैक्टर क्वान्टिटी को मल्टीप्लाई करने पर जब स्केलर क्वान्टिटी आती है तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी सो इतनी ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखने की जरूरत नहीं है बस समझ लो तो बेसिकली ये क्या है दिस इज अ क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ अब ये हमें पता चल गया कि ये स्केलर क्वांटिटी है या फिर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वर्क का लेकिन डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है ऑल्सो वर्क डन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्योंकि वो जस्ट एक मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड मतलब जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और अगर जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है तो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है ठीक है नाउ दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव कवर्ड टिल नाउ इसमें थोड़ा सा मोशन वाले चैप्टर के फॉर्मूले भी यूज़ होंगे और इस चैप्टर के फार्मूले भी यूज़ होंगे सो आई विल रीड ऑल द क्वेश्चन आप स्क्रीन ले लेना या पॉज कर देना सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड देन कम टू सी द सोल्यूशन सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फोर्स ऑफ टेन न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस इट थ्रू अ टू मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक फोर्स है दस न्यूटन का लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे उसको डिस्प्लेस करता है टू मीटर से किस डायरेक्शन में फोर्स के डायरेक्शन में फाइंड वर्क डन

एक कांस्टेंट फोर्स लगा करके ठीक है कांस्टेंट फोर्स कितना टेन न्यूटन का फाइंड वर्क डन बाय फोर्स फोर्स इस force ने जो वर्क डन किया हमें वो बताना है इफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज अगर ऑब्जेक्ट का मास वन के है देन फाइंड दी वर्क डन बाई इट्स वेट ठीक है अब उस पर वेट भी लग रहा है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है तो सबकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन होगा तो यहां पे आपको क्या करना है पहले आपको इस टेन न्यूटन की फोर्स की का वर्कडाउन निकालना है फिर आपको इस वेट का वेट मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बाई अर्थ उसका वर्कडाउन निकालना है उस फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ और फिर वर्कडन बाय ग्रेविटी 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 मतलब अगेन वेट और ग्रेविटी एक ही बात है मैंने आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिखा है आपको समझ में आना चाहिए इसके बाद फाइंड वर्कडन बाई अ कॉन्स्टेंट फोर्स टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल ऑफ मास फिफ्टीन हंड्रेड के जी फ्रॉम दिस वेलोसिटी टू दिस वेलोसिटी इन टेन सेकेंड्स आई डोंट नो आप कर पाएंगे या नहीं थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो इसके बाद एन ऑब्जेक्ट कवर्स ट्वेंटी मीटर या फिर जस्ट लिख लो इन क्वेश्चन को लिख के रख लो ताकि जब मैं करवाऊँ तो आप एक एक करके उनके सोल्यूशन लिख लेना एंड ऑब्जेक्ट कवर्स ट्वेंटी मीटर इन टू सेकंडस अंडर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स ठीक है टू ट्वेंटी मीटर कवर कर रहा है टू सेकेंड्स में कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है उस पर इनिशियल वेलोसटी जीरो थी फाइंड वर्क डन बाई दिस कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टू सेकेंड टू सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई और वर्क डन बाई द फोर्स कितना है तो यहाँ पे सिंपली क्या है कि एक ऑब्जेक्ट था ठीक है ऑब्जेक्ट पे टेन न्यूटन फोर्स लगा और वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया टू मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो वर्क डन कितना आएगा सिंपली फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट फोर्स कितना है 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 तो सॉरी uh, 2 तो 10 इंटू टू कितना आ जाएगा? 20 जूल आई एम राइटिंग जूल का उसने काम किया नाउ नेक्स्ट इज एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप इसको ऊपर उठाया है हमने एक ऑब्जेक्ट को कितने से टेन मीटर से उठाया है क्या दिया है हमें कि इसका मास है वन के ठीक है तो कितना फोर्स लगा के उठाया टेन न्यूटन फोर्स लगा के उठाया अब मुझे ये बताओ कि हमने मतलब उठा के रख दिया है लिफ्टेड अप ठीक है ऐसे उठाया और उठा करके रख दिया और हम उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स टेन न्यूटन लगा रहे थे तो टेन न्यूटन अगर हम कॉन्स्टेंट फोर्स लगा रहे थे और अगर उसका डिस्प्लेसमेंट टेन मीटर ऊपर हुआ है हमने कॉन्स्टेंट फोर्स टेन न्यूटन लगाया और उसको टेन मीटर हमने डिस्प्लेसमेंट कराया सो वॉट विल बी द वर्क डन तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू है हमें इसी फोर्स के का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना तो फोर्स हम लगा रहे हैं टेन न्यूटन ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टेन मीटर ऊपर सीधी सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अगर आप उसको बीच में उसमें उस पर फोर्स ना लगाओ बीच में उसको छोड़ दो बिना फोर्स लगाए तो नीचे आ जाएगा सो यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट तब जाकर के ऊपर आएगा कितना फोर्स लगाया हमने टेन न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ टेन मीटर सो वर्कडन कितना आ जाएगा इस फोर्स का वर्कडन आएगा टेन मीटर इंटू टेन न्यूटन फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट इट इज हंड्रेड जूल हाउ मच वर्क इज डाय बोला है इफ मास वन के जी अगर मास ऑफ ऑब्जेक्ट वन के जी है नया फोर्स कौन सा फोर्स वेट भाई नया का मतलब ये नहीं कि वो अभी लगना शुरू हुआ है नया नया नो इट इज एग्जिस्टिंग ऑलरेडी बट हमें इसका फोर्स इसका वर्कडन हमें निकालना है तो पहले हमको फोर्स चाहिए भाई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमें मालूम है ऑब्जेक्ट ऐसे हीस डिस्प्लेस हुआ है अब उस उसमें कितने फोर्स लग रहे हैं कहाँ लग रहे हैं वो हमें देखना पड़ेगा बट उसका डिस्प्लेसमेंट तो टेन मीटर ऊपर ही हुआ है दिस इज इट्स डिसप्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेन मीटर ऊपर अब इस पर क्या है कि फाइंड वर्क डन बाई इट्स वेट अब हमें वेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी वेट इज अ न्यू फोर्स वेट इज अनदर फोर्स न्यू नहीं अनदर फोर्स तो वो फोर्स है कितना तो वेट जो होता है वो किसके बराबर होता है वेट इज नथिंग बट बी एम इंटू जी एम इंटू जी एम कितना है वन के जी और जी कितना है वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो कितना आ जाएगा ये सॉरी टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायेयर मैंने लिखा नहीं है बट आपको जी टेन लेना है कितना आ गया टेन न्यूटन अच्छा तो इस पर नीचे लग रहा है टेन न्यूटन नीचे कितना लग रहा है टेन न्यूटन फोर्स इस पर नीचे भी लग रहा है जब आप इसको ऊपर लेके जा रहे हो इसका मतलब यह है कि, कि नीचे वाला फोर्स लगना बंद हो गया नो no, वो फोर्स भी लग रहा है दोनों फोर्स लग रहे हैं अब आप देखो इधर ऊपर टेन न्यूटन लग रहा है नीचे टेन न्यूटन लग रहा है इसका मतलब वहां पे क्या है कि देर इज नो अनबैलेंस फोर्स नीचे टेन ऊपर टेन बैलेंस हो गया तो इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे वो रेस्ट में था जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो रेस्ट में ही रहेगा वो कोई वेलोसिटी गेन नहीं करेगा यहाँ पे भी पहुंच के वो रेस्ट में ही रहेगा तो नीचे न्यूटन लग रहा है अब दूसरे बाकी फोर्स को भूल जाओ जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर फोर्स का वर्कडन निकाल रहे हैं फॉरगेट अबाउट ऑल अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट सिर्फ आपको क्या दिखना चाहिए जिसका वर्कडन निकालना है आपको वो फोर्स दिखना चाहिए और उसका डिस्प्लेसमेंट दिखना चाहिए अभी पहले जब हम इसका वर्क डन निकाल रहे थे तो हमें ये फोर्स दिखा और इसका डिस्प्लेसमेंट दिखा कितना टेन मीटर ऊपर अब इस केस में इस केस में क्या है नाउ फॉरगेट अबाउट दिस फोर्स सिर्फ ये फोर्स पे फोकस करो तो अब आपकी मर्जी आपको इधर ये फोर्स इधर लग रहा है तो आप इधर पॉजिटिव ले सकते हो बस इतनी सी बात है कि जब फोर्सेज और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे सेम डायरेक्शन में रहेंगे तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा ऑपोजिट डायरेक्शन रहेंगे तो वर्क डन नेगेटिव आएगा आप किधर भी पॉजिटिव लो नेगेटिव लो फर्क नहीं पड़ता ठीक है अगर सेम डायरेक्शन में है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी पॉजिटिव अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन बाय द फोर्स विल बी नेगेटिव देख लो यहीं पे ये नीचे है कि ऊपर है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा तो अगर ऑपोजिट है तो डेफिनेटली सी डेफिनेट सी बात है कि एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के डायरेक्शन सेम रहेंगे दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं दोनों नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव निकल के आएगा क्लियर है ये चीज तो यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो वर्क डन बाय वेट है वर्क डन बाय वेट मतलब वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ अर्थ ने जो फोर्स अप्लाई की है उसके द्वारा वर्क डन कितना है तो फोर्स कितना है टेन डिस्प्लेसमेंट कितना है टेन लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन कितना आ जाएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू इधर ही लिख देते हैं वर्क डन कितना आ जाएगा टेन न्यूटन इंटू माइनस टेन मीटर इट इज गोइंग टू बी माइनस हंड्रेड न्यूटन तो इसने वर्क डन कितना किया सॉरी oh, जूल इसने ये जो न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा था इसका वर्क डन कितना है प्लस हंड्रेड जूल और इसका वर्क डन कितना है माइनस हंड्रेड जूल अब वेट और जो ग्रेविटी वाला फोर्स है ग्रेविटी वाला फोर्स मतलब कौन सा होता है अर्थ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है वो दोनों की दोनों फोर्स जो है वो एक ही बात है ठीक है ना दोनों के दोनों फोर्स जो है वो एक ही बात है तो यहाँ पे आप वेट के द्वारा वर्क डन कहो या ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा वर्क डन कहो दोनों के दोनों एक ही बात है सो माइनस हंड्रेड जूल ही होगा क्लियर है ये चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हो तो जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आपके ऑब्जेक्ट का गिवन है यहाँ पे ऑलरेडी तो वी विल फोकस ऑन दी फोर्स कि हम किस फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है अगर सेम डायरेक्शन में है तो डेफिनेट सी बात है कि वर्क डन विल बी पॉजिटिव अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि ऑपोजिट डायरेक्शन है है तो एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा और इन दैट केस जो डिस्प्लेसमेंट जो वर्क डन है वो कैसा आएगा इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्लियर है इच इज नाउ वी विल ट्राई दी क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर अभी तक के जो दो क्वेश्चन थे हमारे पास उनमें क्या था हमें डायरेक्टली फोर्स दिया था ठीक है सेकेंड क्वेश्चन में वेट हमें डायरेक्टली नहीं दिया था लेकिन बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते थे हम ठीक है अब जो क्वेश्चन हैं इन दोनों में हमें डायरेक्टली फोर्स दिया नहीं है हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि फोर्स कैसे आएगा तो पहले थर्ड क्वेश्चन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है फाइंड वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एक व्हीकल है उसका वेट है 1500 हंड्रेड के जी उसकी वेलोसिटी आपको 10 से 20 करनी है इन 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी 10 से 20 करनी है और वो किसकी हेल्प से करना है एक कांस्टेंट फोर्स की हेल्प से करना है तो उस कांस्टेंट फोर्स का वर्कडन कितना होगा हम कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे वो कुछ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो वेलोसिटी को चेंज करेगा और अगर उसने वेलोसिटी को चेंज किया ठीक है उस प्रोसेस में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट का मोशन होगा कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा वहां से हम लोग वर्क डन निकाल पाएंगे क्लियर है तो हमें क्या क्या गिवन है मास इज इक्वल टू फिफ्टीन हंड्रेड के जी इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और क्या गिवन है टी इज इक्वल टू टेन सेकेंड्स अब आपको वर्क डन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास फोर्स है नो no. क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है नो no. लेकिन फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू यह यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फोर्स क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन मास गिवन है यस एक्सेलरेशन गिवन है नो no. अब मास एक्सेलरेशन क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज डिस्प्लेसमेंट तो एक्सेलरेशन मिल गया क्या ये है हमारे पास यस yes. ये है यस yes. ये है यस yes. अब अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो उस केस में हम यहाँ पे इक्वेशन जो है तीन मोशन के जो इक्वेशन है वो लगा सकते हैं तो हम वो लगाएंगे यहाँ पर तो मैं अब यहाँ पे इस इक्वेशन को इतना बड़ा फालतू तो लिखने से अच्छा ये है कि यहीं पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लो तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा इट इज़ ट्वेंटी माइनस टेन डिवाइडेड बाई टेन ये मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना आ गया 20 माइनस टेन डिवाइडेड बाई टेन ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज द एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट फोर्स क्या आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन ठीक है ना मास कितना है 1500 हंड्रेड और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो फोर्स कितना आ गया 1500 न्यूटन दिस इज द फोर्स हाउ मच 1500 हंड्रेड न्यूटन अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ठीक है ना ये जो टेन सेकेंड का ड्यूरेशन है इस सिर्फ इस टेन सेकेंड के ड्यूरेशन को हमने पढ़ा है और उसमें हमें वर्कडन निकालना है तो फोर्स तो निकल गया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर आपको वेलोसिटी गिवन है वेलोसिटी गिवन है और एक्सेरेशन भी है तो कौन सा और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कौन सा हमें यूज करना चाहिए हमें यूज करना चाहिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू टू एस क्लियर है वी स्क्वायर कितना है फोर हंड्रेड माइनस यू स्क्र कितना है हंड्रेड इज इक्वल टू टू इन वन इन एस ठीक है ना ये हमने कैलकुलेट कर लिया ए इज इक्वल टू वन है यहाँ से कितना आ गया हमारे पास थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू दैट इज वन फिफ्टी मीटर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट सो अब हमारे पास आ गया वर्कडन के लिए फोर्स भी आ गया फिफ्टीन हंड्रेड न्यूटन इन टू डिस्प्लेसमेंट भी आ गया वन फिफ्टी मीटर कितना आ जाएगा फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन होता है टू ट्वेंटी फाइव इंटू वन टू थ्री थ्री जीरो जूल अब थाउजेंड uh, जूल है थाउजेंड जूल है हमारे पास तो उसको हम क्या कर सकते हैं किलो जूल भी लिख सकते हैं तो टू ट्वेंटी फाइव किलो जूल टू ट्वेंटी फाइव किलो जूल इज दी वर्क डन इन दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑफ टेन सेकेंड्स क्लियर है ये चीज तो टू ट्वेंटी फाइव किलो जूल इज आंसर सो नाउ ट्राई दी लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन इसमें भी आपको डायरेक्टली फोर्स uh, गिवन नहीं है बाकी कुछ कंडीशंस गिवन है तो जब भी देखो फोर्स अगर गिवन नहीं होगा तो आपको एक्सेलेशन वगैरह देके रखेगा ठीक है इस तरीके से आपको किसी तरीके से सोचना है कि फोर्स तक कहाँ पहुँचे तो अगर मैंने ये बता दिया है तो जस्ट ट्राई टू डू दिस शायद आपको पहले करते ना बने लेकिन अभी कोशिश करो कि कैसे करेंगे और आई होप ये आपको क्लियर है इसमें आपको जो 10 सेकेंड का जो ड्यूरेशन है उसमें उस कांस्टेंट फोर्स ने हमने कांस्टेंट फोर्स लगाया जिसने वेलोसिटी को 10 से 20 कर दिया 10 सेकेंड में तो उस प्रोसेस में उस कॉन्स्टेंट फोर्स ने कितना वर्क किया हमें वो सब निकालना है ठीक है तो पहले हमने क्या किया मास गिवन है तो एक्सेलरेशन निकाल लिया बिकॉज वी यू टी गिवन है एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास वन सो फोर्स आ गया मास इन टू एक्सेलरेशन नाउ वॉट डू वी नीड डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में अगर वेलोसिटीज गिवन है फाइनल और इनिशियल एंड एक्सेलरेशन गिवन है तो बेस्ट होगा आप वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वायेर इज इक्वल टू टू ए एस लगाओ तो फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू टू इंटू वन इंटू एस एस आ गया हमारे पास वन फिफ्टी मीटर एंड दिस इज दी अब जैसे यहाँ पे फिफ्टीन इंटू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव और ये हो गए थाउजेंड तो जैसे मीटर इज इक्वल टू वन किलो मीटर वैसे वन थाउजेंड जूल इज इक्वल टू वन किलो जूल तो इसको हमने किलो जूल से रिप्लेस कर दिया तो काफी सारा वर्क डन हुआ है क्लियर है क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ना ये बड़ा सा कोई ट्रक वगैरह होगा जिसकी वेलोसिटी यहाँ यहां से यहां चेंज हुई होगी तो बहुत सारा वर्क डन हमें करना पड़ा या फिर उस फोर्स को करना पड़े पड़ा नाउ ट्राई दी फोर्थ क्वेश्चन करो कोशिश थोड़ा सा टाइम ले लो बिकॉज पहले शायद नहीं बना होगा तो अभी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगेन सो ट्राई करेंगे क्वेश्चन पॉज कर लो वीडियो ज्यादा टाइम लग, लगाना चाहते हो अगर तो लेकिन ट्राई जरूर करो ऐसी सॉल्यूशन मत देखो मजा नहीं आएगा वरना <coughs> सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स ट्वेंटी मीटर इन टू सेकेंड्स ठीक है डिस्प्लेसमेंट गिवन है फोर्थ क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट गिवन है ट्वेंटी मीटर और टाइम गिवन है इन टू सेकेंड्स ठीक है ना टू सेकेंड्स में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है अंडर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट फोर्स अगेन कॉन्स्टेंट फोर्स है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है कि जीरो है फाइंड वर्क डन बाई दिस कॉन्स्टेंट फोर्स एंड वेलोस्टी एट द एंड ऑफ टू सेकेंड फाइंड वर्क डन बाई दिस कॉन्स्टेंट फोर्स अब फोर्स आपको गिवन नहीं है ऑब्जेक्ट का मास भी गिवन नहीं है तो ऑब्जेक्ट का मास ले लो एम इज इक्वल टू टेन के जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेन के जी ठीक है आई फॉरगॉट टू गिव इट तो क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाया होगा आई एम सो सॉरी देखा नहीं मैंने ठीक है टू टेन के जी है इसका मास तो अब हमें क्या निकालना है अगर वर्क डन हम निकालना चाहते हैं सो वर्क डन के लिए वॉट डू वी नीड अगेन फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट फोर्स कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन से निकालेंगे अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे निकालें कौन सा इक्वेशन लगाएं हम तो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है टाइम गिवन है तो बेस्ट विल बी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दिस इज ट्वेंटी डिसप्लेसमेंट इज ट्वेंटी मीटर इनिशियल वेलोसिटीज जीरो तो ये तो पूरा ही जीरो हो जाएगा हाफ इंटू एक्सलेशन इज नॉट गिवन टाइम गिवन है टू सेकेंड्स तो यह आ गया फोर इसको कैंसिल करो यू विल गेट ए इज इक्वल टू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायेयर मास गिवन है टेन के जी सो फोर्स विल बी इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन दिस इंटू दिस हंड्रेड न्यूटन नाउ डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट डायरेक्टली गिवन है कितना है ट्वेंटी मीटर सो फोर्स इज इक्वल टू हंड्रेड न्यूटन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर कितना वर्क डन हो गया वर्क डन इज इक्वल टू है हमारे पास टू थाउजेंड जूल या फिर आप बोल सकते हो टू किलो जूल हाउ मच टू किलो जूल क्लियर है ये चीज अब इसमें आगे क्या पूछा है बाकी जो पार्ट है दिस इज दार्ट ऑफ द मोशन चैप्टर ठीक है आपसे पूछा है कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ टू सेकेंड टू सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इट वॉज जीरो टाइम कितना था टू सेकेंड एक्सेलरेशन कितना था इट वॉज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मतलब एक सेकेंड में दस मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है एक सेकेंड में दस मीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है तो दो सेकेंड में ट्वेंटी से बढ़ जाएगा सो so, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड या फिर आप कैसे कर सकते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी हमें निकालना है u जीरो है a टेन है टाइम टू है सो so v इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड तो दो सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है ऑफ द ऑब्जेक्ट वो कितनी है इट इज ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड सो दीज आर फ्यू क्वेश्चन अब इसी में क्या है कि आपको अलग अलग तरीके से कि कभी वर्क फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ठीक है तो अलग अलग तरीके से आपको दे दिया जाएगा पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन जीरो वर्क डन सबके केसेस आपको दिए जाएंगे आपसे ये पूछा जाए कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है चलो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ फिफ्थ कि एन ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट कवर्स फिफ्टी मीटर डिस्टेंस फिफ्टी मीटर डिस्प्लेसमेंट फिफ्टी मीटर डिस्प्लेसमेंट विथ a constant velocity with a constant velocity of 10 meter per second with a constant velocity of 10 meter per second find work done ठीक है अब यहां पे वैसे तो आपको बोलना चाहिए वर्क डन बाय दिस फोर्स और दैट फोर्स आपको सिर्फ वर्क डन बोला क्योंकि भाई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है इसका मतलब कि उस उसपे नेट फोर्स जो होंगे वो जीरो होंगे ठीक है नेट फोर्स उस पर जीरो होंगे तो इसका मतलब यहां पे हम लोग बोलेंगे कि वर्क डन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी से चल रहा है अगर वो डिफाइन करते बोलते कि इस फोर्स का या उस फोर्स का क्योंकि हो सकता है ना कि इस पे इस तरफ उस पर कोई एक फोर्स लग रहा हो इस तरफ दूसरा फोर्स लग रहा हो दोनों इक्वल हो बिल्कुल हो सकता है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा इसकी वजह से कुछ ना कुछ वर्क डन आएगा लेकिन दोनों के वर्क डन पक्का पक्का ऑपोजिट आएंगे

दीज वर फ्यू क्वेश्चन जिसमें कुछ में आपको क्या किया है डायरेक्टली फोर्स गिवन है कुछ में डायरेक्टली फोर्स गिवन नहीं है एक क्वेश्चन जो हमने किया था कि हमने उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट किया अब उस पर ऊपर भी फोर्स लग रहा है नीचे भी फोर्स लग रहा है ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट पे पचास फोर्स लग रहे हो ठीक है एक ऑब्जेक्ट पे हो सकता है तो बहुत सारे फोर्स लग रहे हों ठीक है पचास फोर्स लग रहे हों हजार फोर्स लग रहे हो और उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में हुआ है ठीक है इस डायरेक्शन में कुछ उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो जब आप इसकी वजह से वर्क डन निकालोगे तो फॉरगेट अबाउट ऑल दी अदर फोर्सेज ये फोर्स ध्यान में रखो और ये डिस्प्लेसमेंट ध्यान में रखो जब इसकी वजह से निकाल रहे हो तो सिर्फ ये फोर्स ध्यान में रखो और ये डिस्प्लेसमेंट ध्यान में रखो बाकी ऐसे वाले फोर्सेस की फोर्स इधर डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इधर है फोर्स इधर है तो ऐसे वाले क्वेश्चन तो अभी आप करोगे नहीं एलेवंथ में जा करके करोगे बट जब भी आप किसी वर्क डन की बात कर रहे हो किसी भी फोर्स के वर्क डन की बात कर रहे हो जस्ट फोकस ऑन दैट फोर्स फगेट अबाउट ऑल अदर फोर्सेज सिर्फ उस फोकस पे उस फोर्स पे फोकस करो और उसके डिस्प्लेसमेंट पे ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करो दैट्स इट और फोर्सेज के बारे में नहीं सोचना है इसके इसके बारे में आप तब सोचोगे जब आप इसका वर्क डन निकालोगे इसके बारे में तब सोचोगे जब आप इसके वर्क डन निकालोगे क्लियर है ये चीज तो दीज तो आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट वर्क डन बाई अ फोर्स बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स और अभी हम वैसे भी कॉन्स्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं वेरिएबल फोर्स आप अगेन वो चीज सब इलेवंथ में जाकर के पढ़ेंगे सो so, ये है आपका वर्क डन के बारे में ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी उसको हम स्टार्ट करेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास थैंक यू